गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एमपी बिरला सीमेंट। एमपी बिरला सीमेंट बड़ा ही चर्चित सीमेंट है, वो बहुत टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, उसके बारे में आज हम जान लेते हैं। मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोली है और उस पे जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में मैं पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं एमपी बिरला सीमेंट के बारे में। तो जो एमपी बिरला सीमेंट है वो 1919 में बना था, और सबसे बड़ी हाउस इंडस्ट्री, जैसे उन्होंने, इनका कहना है कि इनकी जो फैमिली थी वो ऑलरेडी इंडस्ट्री लाइन में थी, जो सबसे बड़ी इंडिया की इंडस्ट्री फैमिली से है, रिलेटेड करती है। और 1919 में इन्होंने अपना पहला ही पहला सीमेंट ब्रांड बनाया था, और कंपनी ने सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाया है। और इनका जो कहना है कि ये स्ट्रांगली नॉर्थन ईस्ट में, सेंट्रल एरिया में और ईस्टर्न इंडिया में अच्छे से फैले हुए हैं। साउथ एरिया इन्होंने अच्छे से कवर नहीं किया है, इनका ऐसा कहना है, और वेस्टर्न एरिया में थोड़ा थोड़ा ये बढ़ पाए हैं आगे। तो अब इनके बारे में और जानते हैं, हमें मतलब है एमपी बिरला के सीमेंट से। तो सीमेंट के अंदर इनके कौन कौन से ब्रांड आते हैं वो देख लेते हैं अभी। तो इन्होंने अपने ये सारे ब्रांड दे रखे हैं, एमपी बिरला यूनिक, एमपी बिरला सम्राट। तो अभी हम सारे इनके सीमेंट के ब्रांड चेक कर लेते हैं। तो सीमेंट के ब्रांड में जो सबसे ज़्यादा इनकी तरफ से जो प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट हैं वो है, पहला एमपी बिरला रक्षक, एमपी बिरला परफेक्ट, जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा चलता है। रक्षक एक वाटर रिपेलेंट सीमेंट है, जो पीपीसी सीमेंट है लेकिन वाटर रिपेलेंट सीमेंट है। एमपी बिरला परफेक्ट प्लस भी पीपीसी सीमेंट है, लेकिन ये नॉर्मली राजस्थान की तरफ ज़्यादा चलता है। बिरला सम्राट जो है इन्होंने ईस्टर्न रीजन के लिए निकाला था, जो बहुत अच्छा चलता है। एमपी बिरला अल्ट्रा और अल्टीमेट, मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है, मार्केट में इसका कोई नामो निशान नहीं है। एमपी बिरला यूनिक भी मैंने कभी नहीं सुना है। और जो एमपी बिरला सम्राट है, सम्राट बहुत ज़्यादा चलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया आसाम साइड और वहाँ पर ज़्यादा चलता है। और अल्टीमेट मैंने कभी ज़्यादा सुना नहीं है इसके बारे में। और बिरला चेतक पीपीसी सीमेंट है, और ये हमारे यहाँ अच्छे से आता है, और इसकी प्राइसिंग भी बहुत नॉमिनल है। एमपी बिरला पीएससी सीमेंट, अब पीएससी सीमेंट क्या है? पीएससी सीमेंट जो है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इसके अंदर एमपी बिरला सबसे नंबर वन प्लेयर है, और सबसे ज़्यादा सीमेंट पीएससी सीमेंट बनाने वाली कंपनी एमपी बिरला ही है। तो स्लैग सीमेंट का जो मास्टर है वो एमपी बिरला है, इसलिए वो नंबर वन सीमेंट मैन्युफैक्चरर है पीएससी सीमेंट का। इसके अलावा इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादा हिट तो नहीं है लेकिन इनकी तरफ से दिए हुए हैं। तो जो एमपी बिरला है इसके ग्रुप के अंदर, मैं आज आपको सिर्फ एक सीमेंट के बारे में बता देता हूँ, ये एमपी बिरला परफेक्ट प्लस, जो कि सब जगह इजीली अवेलेबल है, और ये पीपीसी सीमेंट है, और क्योंकि ये पीपीसी सीमेंट है तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इनका क्या कहना है कंपनी का अपने सीमेंट के बारे में? तो कंपनी कहती है कि इनका जो सीमेंट है वो अवेलेबल है दिल्ली एनसीआर रीजन में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, एमपी में, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार एरिया के अंदर। अब सब जगह पे अलग अलग प्राइस है इस सीमेंट की। और एमपी बिरला परफेक्ट पीपीसी सीमेंट है क्योंकि, तो पीपीसी सीमेंट एमपी बिरला की तरफ से दिया हुआ है, और फाउंडेशन, पिल्लर, रूफिंग वर्क सबके अंदर काम आता है। सुपीरियर ग्रेड कॉन्क्रीट, हाई परफॉर्मेंस सुपीरियर ग्रेड कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि सीमेंट को इस तरह से बनाया गया है कि ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। तो वाई चूज़ एमपी बिरला सीमेंट परफेक्ट प्लस को अपन क्यों काम में लें? तो कंपनी वालों का कहना है डेंस कंक्रीट, कंक्रीट मैट्रिक्स होता है, यानी कि इसके अंदर पिसाई जो होती है दाने की वो बहुत फाइन कर रखी होती है, और इसके अंदर सीमेंट के बीच का जो गैप होता है बहुत कम होता है, इसलिए ये डेंस कंक्रीट मैट्रिक्स के साथ बना हुआ है, जिसके अणु हैं वो आपस में अच्छे से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए एमपी बिरला ज़्यादा बेटर है परफेक्ट प्लस। और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी जल्दी मिलती है, साथ ही जो ऑप्टिमम वाटर डिमांड है, रिड्यूस्ड परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इसका जो परमेबिलिटी का मतलब होता है, इसके अंदर क्या होता है कि सीमेंट के अंदर जो एल्कली अटैक वगैरह जो भी होते हैं, जो जेल बनने के टाइम पे अगर कुछ पानी के अंदर केमिकल रिएक्शन रह जाती है, तो उसका वो उसको वो आराम से निकाल देती है। यानी कि अगर समझो कि केमिकल अटैक अगर हो रहा है और सीमेंट जम रहा है, उससे पहले उसके साथ में अगर केमिकल आ रहे हैं, उसके अटैक की वजह से अगर सरिया ख़राब होता है, तो वो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है रिड्यूस करने की, परमेबिलिटी कम है, यानी ख़राब भी कम करता है ये, और साथ में प्रोडक्शन स्टील को क्लोराइड से बचाता है। तो ये इसकी मजबूती बहुत अच्छी है, इसीलिए ये इस क्लोराइड को बचाता है। और ऑन साइट सर्विस, ये चीज़ और ये पॉइंट मेरे को ज़्यादा फेवरेट है मेरा, डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस बाय एक्सपर्ट सिविल इंजीनियर, वेल इक्विप्ड विद कॉन्क्रीट टेस्टिंग वैन।
जब आप ये एमपी बिरला परफेक्ट लेते हैं, एमपी बिरला परफेक्ट प्लस लेते हैं, तो आपकी साइट पे आप अपने ऑन साइट इंजीनियर को बुलवा सकते हैं, उनसे उनकी क्वालिटी सर्विसेज ले सकते हैं, आपके यहाँ जो मसाला बन रहा है उसकी टेस्टिंग वगैरह वो भी करवा सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेडिकेटेड कस्टमर टीम आपके साथ में आएगी और इसके लिए आपको सपोर्ट करेगी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और वहीं एमपी बिरला प्लस परफेक्ट प्लस की अगर अपन रेट की बात कर लें, तो आज की तारीख में राजस्थान के अंदर हमें ये 385 रुपये में मिल रहा है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, यानी कि एमपी की तरफ जाते हैं, राजस्थान से एमपी में जाते हैं, तो 10 रुपये बढ़ते हैं, तो तकरीबन 395 रुपये में मिलेगा। फिर उससे थोड़ा आगे जाते हैं, हम पहुँचते हैं मध्य प्रदेश पार करके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जैसे ही हम जाएंगे, वहाँ पे 15 रुपये और बढ़ जाएगा, तो वो तकरीबन उसकी रेट हो जाएगी 410 रुपये। और उससे आगे अगर हम बिहार जाते हैं या बंगाल जाते हैं, तो वहाँ पे 20 से 30 रुपये और बढ़ेगा, जिसकी रेट 430 से 440 रुपये के आसपास पहुँच जाएगी। तो इस तरह से एमपी बिरला परफेक्ट प्लस की प्राइसिंग और उसकी क्वालिटी और उसकी जो रिव्यू था वो मैंने आपको दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें।